इलाकी खित्ते की आवाज रोही के 4 साल कामयाबी से मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़ार की रोही को 4वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। रोही ने पसमानदा इलाकों के मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। रोही चैनल की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ऐसा कहना है सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार का। सराइकी खित्ते की आवाज रोही ने कामयाबी से अपने 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़ार की रोही की 4वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद। रोही ने पसमानदा इलाकों के मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। रोही चैनल की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, उस्मान बुज़दार सीएम पंजाब का ऐसा कहना है। सीएम पंजाब वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की रोही को 4वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। रोही ने पसमानदा इलाके के मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है, सीएम पंजाब का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि रोही चैनल की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। सराइकी खित्ते की आवाज रोही के 4 साल कामयाबी से मुकम्मल हो गए। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की रोही को 4वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। रोही ने पसमानदा इलाकों के मसाइल उजागर करने में एक अहम किरदार अदा किया। रोही चैनल की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की रोही की 4वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। रोही ने पसमानदा इलाकों के मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है, सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। उन्होंने रोही की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि रोही ने बहुत कम अरसे के अंदर साउथ पंजाब में अपनी जगह बना ली है और साउथ पंजाब के जितने भी मसाइल हैं वो हाईलाइट करता रहा है। उन्होंने सीएम पंजाब ने रोही की जो टीम है उस पर भी मुबारकबाद दी है।